वहाँ पर वो लड़के आए हैं, इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना। जी हाँ, कांग्रेस ने जून में ही प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी, जब उनके भाई राहुल गांधी ने यूपी से पारिवारिक सीट रायबरेली को बरकरार रखने का और इस सीट को खाली करने का निर्णय लिया था। प्रियंका गांधी भले ही कभी चुनाव आज तक न लड़ी हो, लेकिन वो राजनीति में काफ़ी पहले से सक्रिय हैं, लेकिन इसके मायने अलग हैं। प्रियंका पहली बार कांग्रेस की उम्मीदवार वाले लिस्ट में शामिल हुई हैं। उनका नाम पहली बार प्रत्याशियों वाली सूची में छपा है, क्योंकि मंगलवार को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के साथ उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके साथ ही कांग्रेस ने केरल की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी का औपचारिक ऐलान कर दिया। हालांकि प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की घोषणा कुछ महीने पहले भले हो गई हो, लेकिन अब वो नियमित तौर पर न सिर्फ चुनावी राजनीति में आने वाले भविष्य में उतरेंगी, बल्कि चुनावी राजनीति में भले ही प्रियंका नई हों, लेकिन संगठन की राजनीति में उन्हें 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है, क्योंकि पहली बार उन्होंने 1999 में राजनीति में एंट्री ली थी, जब वो अपनी मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार प्रसार करने रायबरेली पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने पहली बार राजनीतिक मंच को संभाला, बीजेपी के उम्मीदवार अरुण नेहरू के खिलाफ प्रचार किया और मां को जिता दिया। लेकिन इन 25 सालों में कभी ऐसा मौका नहीं आया जब प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने की कोशिश की हो। हालांकि उनके समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता हमेशा प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में आने के लिए प्रोत्साहित करते रहे और मांग करते रहे। हालांकि उनके चुनाव लड़ने की कई बार चर्चा जरूर हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस समर्थक प्रियंका गांधी से यूपी से ही अपनी दीदी और मां की विरासत को आगे बढ़ाने की आशा टिकाए हुए थे, लेकिन उनकी एंट्री यूपी या उत्तर भारत की जगह दक्षिण भारत से होने वाली है। अगर वायनाड वो जीती तो सदन में बीजेपी के खिलाफ भाई बहन की जोड़ी मिलकर डबल हमले करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रियंका गांधी अपनी सूझबूझ के लिए जानी जाती हैं। 2017 में यूपी विधानसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन और सीट बंटवारे में प्रियंका गांधी ने बड़ी भूमिका निभाई। कांग्रेस ने यूपी चुनाव में 110 सीटों की मांग की थी, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी ने 100 सीटें देने की पेशकश की थी। जनवरी 2019 तक प्रियंका को पूर्वी यूपी में कांग्रेस का महासचिव बनाया गया, जहां कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद उन्होंने पूरे प्रदेश के प्रभारी के तौर पर महासचिव का पद ग्रहण किया था और लगातार इसमें रही। हालांकि दिसंबर 2023 में संगठनात्मक फेरबदल हुए और उनसे यूपी का प्रभार छीन लिया गया, लेकिन वो पार्टी की महासचिव बनी रही। प्रियंका गांधी अब वायनाड से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। उनके नाम के आने के बाद वहां के कार्यकर्ता उनके पोस्टर चिपकाना शुरू कर चुके हैं। वायनाड की प्रियंका गांधी, ऐसे पोस्टर लिखे हुए उनके चिपकाए जा रहे हैं। लेकिन ये सब इतनी सी कहानी नहीं। दरअसल कांग्रेस दक्षिण भारत, खास तौर पर केरल में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। पार्टी कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता में पहले से है और अपनी सहयोगी डीएमके के साथ तमिलनाडु की सत्ता में साझेदार है। उत्तर भारत के हालात विपरीत हैं, जहां बीजेपी की पकड़ मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि वो दक्षिण में जीत हासिल करे, ताकि मामला कांटे का हो सके। अगर प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीतती हैं, ऐसे में कांग्रेस के 3 सदस्य, पहली बार होगा जब गांधी नेहरू परिवार के 3 सदस्य संसद के अंदर होंगे। पहली बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा में होंगे और उनकी मां राज्यसभा में। प्रियंका को वायनाड से उतारकर गांधी परिवार ने एक तीर से कई निशाने साधे। ये उत्तर के साथ साथ दक्षिण को भी बैलेंस करने की जुगत तो है ही। गांधी परिवार की कांग्रेस पर पकड़ को भी मजबूत करने की कोशिश है, क्योंकि उत्तर में राहुल गांधी एक्टिव रहेंगे, दक्षिण में प्रियंका गांधी, तो ऐसे में माना जा रहा है कि संतुलन साधा जाएगा। हालांकि तमाम लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि राहुल और प्रियंका में उनके दोनों के गुटों में एक अपनी टसल और वार चलती रहती है। ऐसे में पार्टी आने वाले समय में हो सकता है कि दो फाड़ वाली स्थिति में आ जाए या फिर दो वार वाली में। हालांकि ऐसी संभावनाएं कम हैं, क्योंकि राहुल और प्रियंका को जानने वाले ये कहते हैं कि दोनों के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ना के बराबर है। दरअसल दक्षिण की स्थिति और उत्तर के उलट दोनों की अपनी अपनी अलग अलग स्थितियां हैं। बीजेपी की तूती उत्तर में बोलती है, कांग्रेस दक्षिण में पैठ बनाना चाहती है, और पार्टी कर्नाटक तेलंगाना में भले सत्ता में हो, लेकिन केरल में, जहां पर
वो काफ़ी समय से बाहर है, वहाँ वो अपनी धीरे धीरे पैठ बनाना चाहती है। हालांकि बीजेपी भी इसमें कम नहीं है, बीजेपी भी केरल पर पूरा फोकस किए हुए। प्रियंका गांधी को दक्षिण से चुनाव लड़ाने का कांग्रेस का फैसला इस बात के स्पष्ट संकेत देता है कि गांधी परिवार दक्षिण भारत में लोकसभा सीट जीतने के साथ ही अपने गढ़ के तौर पर एक और केंद्र बनाना चाहता है। इस सीट को केंद्र में रखकर पार्टी को हाल के लोकसभा चुनाव में 42 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि प्रियंका के वायनाड से उतरने से गांधी परिवार को उत्तर और दक्षिण दोनों में मजबूती मिलेगी और इसे बरकरार रखने में भी मदद मिलेगी। कांग्रेस आलाकमान शायद प्रियंका को केरल में अपनी सबसे बड़ी गारंटी के रूप में देख रहा है। इसका यह भी मतलब है कि प्रियंका में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के अभियान का नेतृत्व भी कर सकती है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार भी आम चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और केरल की वायनाड, यूपी के रायबरेली दोनों सीटों से जबरदस्त मार्जिन के साथ जीत हासिल की थी। राहुल इससे पहले 2014 में वायनाड और यूपी के अमेठी सीट से लड़े थे, लेकिन अमेठी में उन्हें हार मिली थी। लेकिन अब दोनों सीटों में उन्हें जीत मिली थी, इसीलिए उन्हें दोनों में से किसी एक को चुनना था, तो उन्होंने रायबरेली चुना था और वायनाड को अपनी बहन को गिफ्ट दे दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।